अलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगी। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। चलिए, ये यहाँ पर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल एज़ यूजल, वो सर्जरी के बाद फिर रिव्यू के लिए बोले एक वारम के बाद, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ फिदिया क्या है, कफ़ारा क्या है। आज वही टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिदिया एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमान रोज़ा नहीं रख सकते, या बूढ़े लोग रोज़ा नहीं रख सकते, या बूढ़े लोग बहुत कमज़ोर है रोज़ा भी नहीं रख सकते, या लॉन्ग टर्म की बीमारी है जैसे डायबिटिक्स है, जो डायबिटिक बहुत है, सो फुल डायबिटिक्स वालों को बहुत तकलीफ़ रहती है। स्टार्टिंग डायबिटिक्स में कुछ भी नहीं रहता, और वैसे लोगों को कफ़ारा नहीं, फिदिया इज़ कंपल्सरी। फिदिया का मतलब अब जो रोज़ा नहीं रहते, मिस फास्ट रहते, कोई भी रीज़न से अब छूट जाते रोज़े, तो उसको हम पे या कंपनसेशन बोलते हैं उसको हम लोग। वो एक्चुअली जो आप गरीब है उनको दीजिए फिदिया। यहाँ पर देखिए, ये लोग हम कंपनस आप वो पे कर सकते हैं, या आप 60 लोगों को कोई रोज़दार को भी आप खाना खिला सकते हैं। फिदिया का मतलब एक दिन का खाना आप जो नहीं खाए रहते उतना पे करना पड़ता। समझो आप 30 रोज़े भी मिस कर लिए, 30 दिन का खाना सुबह शाम दो वक्त का, तीन वक्त नहीं दो वक्त का, समझो एक पर्सन को आप 200 भी लग सकते हैं, अब जितना आप खा सकते उतना। वो आप दूसरों को, गरीबों को दीजिए, या जो रोज़ा रहते कंपलसरी जो रोज़ा रहते उनको दीजिए, वो सवाब है। नेक्स्ट अब आता है कफ़ारा। कफ़ारा यानी जो हम जानबूझकर रोज़ा छोड़ते, जैसे हट्टे कट्टे रहते फिर भी उनको बचपन से आदत नहीं रहती, या जानबूझकर रोज़ा तोड़ते, वो लोगों को कफ़ारा इज़ कंपलसरी। और वो भी कफ़ारा भी सेम है या फिदिया जैसा, सेम 60 लोगों को खाना देना चाहिए, या एक दिन का खाना, अगर एक दिन का रोज़ा मिस हुआ तो एक दिन का खाना, अगर 30 दिन का खाना मिस होगा तो 30 दिन का खाना, 30 दिन का खाना यानी दो वक्त का खाना, एक वक्त के लिए 30 तो 60, तो 60 वक्त का खाना आप देना चाहिए। इन शॉर्ट 60 लोगों को खाना खिलाइए, या 30 दिन का पैसे आप दूसरों को दे दीजिए। चलो अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।